स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 7 क्लास 10 का एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। यह लेसन फर्स्ट फ्लाइट बुक से है। इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ना अच्छी लगे डिसलाइक करें, और वीडियो में आप क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पे कैसे वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट करके बताएं। आज मैं लेसन 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। इसका टाइटल है टी फ्रॉम आसाम। टी फ्रॉम आसाम के राइटर हैं अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखी गई है ये स्टोरी टी फ्रॉम आसाम। प्रांजोल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम इज राजवीर स्कूल मेट एट स्कूल इन दिल्ली। प्रांजोल जो कि एक नवयुवक है, वह राजवीर का क्लासमेट है, सहपाठी है दिल्ली के एक स्कूल में। प्रांजल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। और प्रांजल के जो पिता हैं वो आसाम में चाय के बागान के प्रबंधक हैं। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। और प्रांजल ने अपने मित्र राजवीर को अपने घर आमंत्रित किया है गर्मी की छुट्टियों में या ग्रीष्मावकाश में। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन ए हाई पिच वॉइस। एक चाय विक्रेता ऊंची आवाज में चाय गरम गरम चाय कह के पुकारता है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साफ। वह उन लोगों की खिड़की के पास आता है और पूछता है साफ चाय। गिव अस टू कप्स प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा कि कृपया हमें दो कप चाय दो। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड। उन लोगों ने उस भाप निकलते हुए गर्मा गर्म द्रव को चुस्की लेके पिया। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू। लगभग हर कोई उनके डब्बे का चाय पी रहा था। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे दो आउट द वर्ल्ड। राजवीर सेड। राजवीर ने कहा, क्या तुम जानते हो कि प्रतिदिन लगभग 80 करोड़ कप ऑफ टी या 80 करोड़ चाय के कप पूरी दुनिया में प्रतिदिन पिए जाते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, पर मुझे नहीं लगता कि इतना कम चाय की खपत होगी, क्योंकि भारत की अपनी आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा है और लगभग हर कोई चाय पीता है। कुछ लोग नहीं भी पीते हैं तो कुछ लोग उसकी उसके औसत को बराबर कर देते हैं, दिन में 8-10 कप चाय पी लेते हैं। फिर तो उसके बाद चाइना का जो आबादी है भारत से भी कहीं ज़्यादा है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम चाय की खपत होगी प्रतिदिन की, पर दिया है तो दिया ही है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि प्रतिदिन कितनी कप चाय पी जाती होगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। व्यू एक्सक्लेम प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। उत्साह के साथ प्रांजल कहता है कि हाँ, चाय सचमुच ही बहुत पॉपुलर है, बहुत लोकप्रिय है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। अब ट्रेन स्टेशन से बाहर आती है, स्टेशन छोड़ती है। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजल ने अपनी नाक को एक जासूसी किताब में दोबारा डुबो लिया, मतलब जासूसी किताब में वो लीन हो गया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजीव भी जासूसी कहानियों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। लेकिन उस समय, उस पल, उस क्षण वह बहुत ज़्यादा इच्छुक था जो दृश्य थे
सुंदर सुंदर दृश्य थे उनको देखने में, इसमें उसको ज्यादा इच्छा थी। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। यह बिल्कुल हरा था, हरा ही था, इसके पहले राजवीर ने कभी भी इतनी ज्यादा हरियाली नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड गेव वे टू टी बुशेस। और उसके बाद वो मुलायम हरे धान की हरियाली जो थी खेतों में वो दूर हो गई और उसके स्थान पे फिर चाय के झाड़ियाँ आ गई। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, यह बहुत ही शानदार दृश्य था, आकर्षक दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स ए सी ऑफ टी बुशेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। जंगली पहाड़ियों जिसमें कि बहुत घने जंगल थे, उनके पीछे चाय की झाड़ियां फैली हुई थीं जितनी दूर तक आंखें देख सकती थी, मतलब जहां तक नजरें जाती थीं चाय की झाड़ियां ही थीं। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट वेयर टाल स्टर्डी सेट ट्री एंड एमडेस्ट। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट वेयर टाल स्टर्डी सेट ट्री एंड एमडेस्ट द ऑर्डरली रो ऑफ बुशेस बिजली मूट डॉल लाइक फिगर। ये जो चाय के छोटे छोटे प्लांट थे वे मजबूती से खड़े थे बड़े पेड़ों की छाया के मध्य, और एक कतारबद्ध तरीके से खड़े थे और जैसे लगता था कि कोई गुड़िया सदृश्य संरचना है। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टाल चिमनी। और इस बीच इस एक दूरी पर एक बहुत ही कुरूप एक बिल्डिंग थी, इमारत थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था उस बिल्डिंग की एक चिमनी से। हे ए टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। राजवीर बहुत ही उत्तेजना से चिल्लाया, कहा देखो यह चाय का बागान है। प्रांजल हु हैड बीन बॉर्न एंड ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन डिड नॉट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट। प्रांजल जो कि इन बागानों में ही पैदा हुआ था और यहीं बड़ा हुआ था, उसमें राजवीर की उत्तेजना में साथ नहीं दिया, मतलब उसने कोई उत्तेजना फील नहीं की। ओ दिस इज द टी कंट्री नाउ ही सेड। उसने कहा हाँ यह चाय का देश है, चाय का देश शुरू हो गया है। आसाम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में आसाम में चाय के बागान अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक बहुलता में हैं। यू विल सी एनफ गार्डन टू लास्ट यू ए लाइफ टाइम। तुम अपने पूरे जीवन में यहाँ पे सबसे ज्यादा बाग देखोगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर से। राजवीर ने कहा कि मैं चाय के बारे में, टी के बारे में जितना हो सकता था उतना ज़्यादा पढ़ चुका हूँ। नो वन रियली नो हु डिस्कवर टी बट देर आर मेनी लीजेंड। कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की, लेकिन ऐसी बहुत सी पौराणिक कथाएँ हैं। व्हाट लीजेंड्स, कैसी पौराणिक कथाएँ? वेल देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर हु ऑलवेज बॉइल वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। एक तो चाइनीज सम्राट की है, चीन के सम्राट की है, जो हमेशा ही पानी को उबाल कर पिया करता था। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फिल इन टू द वाटर गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर। एक दिन टहनियों से की कुछ पत्तियां उस
जलते हुए बर्तन में जिसमें कि पानी उबल रहा था उसमें गिर पड़ी और इससे पानी का जो स्वाद था वो बहुत ही स्वादिष्ट हो गया. इट इज़ सेड दे वेयर टी लीव्स. और कहा गया कि ये जो पत्तियां हैं वो चाय की पत्तियां हैं. टेल मी अनदर स्कॉट प्रांजोल. प्रांजोल ने मजाक उड़ाते हुए कहा मुझे दूसरी कथा भी सुनाओ. वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू. हमारे पास एक पौराणिक भारतीय कथा भी है. बोधिरामा एंड एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक. बोधिरामा जो कि एक प्राचीन काल का बुद्ध योगी था, कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन. उसने अपनी पलकों को काट लिया क्योंकि वह ध्यान करने के दौरान निद्रा महसूस करता था. 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स. और 10 चाय के पौधे उसकी पलकों से उत्पन्न हो गए. द लीव्स ऑफ दीज प्लांट व्हेन पुट इन द हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप. और जब इन पत्तियों को, इन पौधों की पत्तियों को गर्म पानी में रखा गया और फिर उसको पिया गया तो नींद गायब हो गई. इट वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, राजवीर एडेड. राजवीर ने आगे कहा कि इसे सर्वप्रथम चाइना में पिया गया. एज फॉर बैक एज 2700 BC और 2700 BC पूर्व. इनफैक्ट वर्ड सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज. और वास्तविकता में ये जो शब्द हैं टी, चाय या फिर चीनी, ये सब चाइनीज हैं. टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th century एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बीवरेज. और फिर यह 16वीं शताब्दी में चाय यूरोप में आया और वहाँ पे इसे दवा के रूप में ज़्यादा करके पिया गया, न कि एक पेय के रूप में. द ट्रेन क्लैटर्ड इन टू मैरियानी जंक्शन. मैरियानी जंक्शन में ट्रेन खड़खड़ करते हुए पहुँचती है. द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म. लड़कों ने अपने सामान को इकट्ठा किया और फिर एक भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म पर आ गए. ट्रांजोल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम. ट्रांजोल्स के जो पेरेंट्स थे, माँ बाप थे, उनका इंतजार कर रहे थे. सून दे वेयर ड्राइविंग टूवर्ड्स धेकी बारी, द टी गार्डन मैनेज्ड बाई ट्रांजोल्स फादर. शीघ्र ही वे धेकी बारी की तरफ गुजर रहे थे, जा रहे थे, जो कि एक चाय का बागीचा था, चाय का बागान था, जिसका प्रबंधन प्रांजल के पिता करते थे. एंड आवर लेटर द कार वियर्ड सर्पली ऑफ द मेन रोड. एक घंटे बाद कार एक मुख्य रोड से तेजी से घूम गई. दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज एंड इंटर्ड धेकी बारी टी स्टेट. और फिर वे एक पुल से या एक गेट से कहें, जो जानवरों को रोकने के लिए बनाई गई थी, उसमें प्रवेश किए और धेकी बारी टी स्टेट में पहुंच गए. ऑन बोथ साइड्स ऑफ ग्रेवल रोड वेयर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस. उस कंकड़ पत्थर वाले सड़क के दोनों तरफ एकड़ों एकड़ तक चाय की झाड़ियाँ थीं. ऑल लिटली पॉपर्न टू सेम हाइट. उन सभी को बहुत ही सफाई से एक समान ऊंचाई तक काट छाट कर रखा गया था. ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स वेयर बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउट लीव्स. चाय को तोड़ने वालों का समूह जो कि बांस की टोकरियों के साथ थे, जो उनकी पीठ पर था, और प्लास्टिक के एप्रॉन या पोशाक पहने हुए थे, वे सभी नई अंकुरित पत्तों को
तोड़ रहे थे। ट्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास। ट्रांजल के जो पिता ने कार को धीमा कर दिया ताकि एक ट्रैक्टर जो कि ट्रेलर जिसमें चाय की पत्तियां भरी हुई थीं गुजर सके। दिस इज द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग पीरियड इज नॉट इट मिस्टर बरुआ, राजबीर आस्क्ड। राजबीर ने पूछा, मिस्टर बरुआ क्या यह दूसरी कटाई नहीं है इन इस दौरान जो हो रही है? राजबीर, इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। यह जो है यह मई से लेकर जुलाई तक रहता है और इस बीच सबसे बेहतरीन चाय का उत्पादन होता है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज। प्रांजल के पिता ने चकित होते हुए कहा कि लगता है कि तुमने अपना होमवर्क आने से पहले अच्छी तरीके से किया है। यस मिस्टर बरुआ, राजबीर एडमिटेड, बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर। हाँ मिस्टर बरुआ, राजबीर ने स्वीकारते हुए कहा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मैं यहाँ रहने के दौरान ज़्यादा कुछ जानूंगा, ज़्यादा कुछ सीखूंगा।